कैसे हो? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन हो गया गाइस, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार सा हो रहा है और मेरा थायराइड भी ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो मुझे चक्कर वक्कर बहुत आ रहे हैं, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो मैं खाने की वीडियो डाल रही हूँ, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। बार बार थंबनेल चेंज करने के लिए कह रहे हैं। कौन से ऐसी थंबनेल डालूं मैं जो लोगों को पसंद आए, मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर कोई भी यूट्यूबर देख रहे तो मुझे समझाए कि किस तरह से थंबनेल डाले जो लोगों को पसंद आए। आज मैं ब्रेड बना रही हूँ गाइस। देखो गाइस, ये एक पैकेट मैंने ईस्ट डाला, ठीक है, और क्वार्टर कप पानी और क्वार्टर कप दूध डाला, गुनगुना और गुनगुना पानी। और मैं इसमें चीनी डालूंगी, तीन टीस्पून। नमक थोड़ा सा, फ्रेश ब्रेड ही बनाती हूँ, पास से नहीं लेते हैं। बाजार का ब्रेड में अजीब सा केमिकल जैसा स्मेल आता है, इसलिए घर में ही रोज बनाते हैं और दो दिन में ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, क्योंकि घर में बनाओ तो सही है, आजकल गायों को भी इतनी बीमारियाँ आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा, समझ नहीं आ रही। थैली वाला दूध पीने के लिए भी डर लगता है, तो हम लोग ये वाला दूध यूज़ करते हैं, नेस्ले का टेट्रा पैक ये यूज़ करते हैं। और बटर, तीन टेबल स्पून डालूंगी बटर, और इसमें डालूंगी ढाई कप मैदा, ठीक है गाइस। अब मिला के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, अभी मैंने डेढ़ कप मैदा डाल दिया, ईस्ट वगैरह सब डाल दिया, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से सॉफ्ट दो बूंदा है, अभी ये डालूंगी एक कप मैदा और मेरा, और जरूरत पड़ने पर फिर दोबारा दूध डालूंगी थोड़ा सा। अभी इसमें तीन टेबल स्पून मक्खन डाल के अच्छी तरह गूंदना है इसको, ठीक है। अच्छी तरह मक्खन डाल के अभी तीन टेबल स्पून इसको गूंदना है। अच्छी तरह गूंदने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट डो गूंदता है, ठीक है। अभी जब रेज हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ रख देती हूँ कपड़ा ढक के, रात की डिनर और ये ब्रेड का दिखाती हूँ, ठीक है गाइस। प्लीज गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सारा व्यूज आप लोगों को पता है। उससे पहले भी मैंने 10,000 से भी व्यूज़ मेरे चैनल में बना था, वो भी लास्ट टाइम जो है बिल्कुल ही वापस ड्रेन हो गया था। फिर से मैंने मेहनत करके 22,000 से ऊपर मैंने व्यूज़ बनाया था, वो भी सारे ड्रेन हो गया। अभी कितना रह गया बताओ, मेरे व्यूज़ सिर्फ 5,000, और सब्सक्राइबर भी कोई नहीं आ रहा है। 183 ही सब्सक्राइबर है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा मेरे चैनल को। ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रही। धीरे धीरे ही बनाऊँगी गाइस, कि बाहर जा नहीं रही हूँ मैं, अभी घर से कर रही हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हूँ ड्यूटी पे, तब बना लेती हूँ। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को, शेयर करना गाइस, और पूरी पूरी वॉच करना गाइस। आजकल कोई वॉच नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस। प्लीज अगर आप लोग को कुछ भी पसंद नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हो अपने को, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। आटा रेज हो गया, ब्रेड का डो रेज हो गया, अभी इसको निकाल के
एक कंडे में मैंने थोड़ा सा दूध डाला और अच्छे से फेंट लिया। ये सेसमी सीड, ये पॉपी सीड यानी कि खसखस, तीन टेबलस्पून डालना था उसमें मैंने दो डाला, अभी एक टेबलस्पून इसमें डाल दिया बटर। ठीक है गाइस, थोड़ा निकाल लेते हैं, फ्रूट बास्केट बनाएंगे। और यूट्यूबर की तरह मैं भी कितने सारे मिलियन व्यूज बना पाऊँ, मुझे अभी बहुत मेहनत करना है बड़े यूट्यूबर बनने के लिए, क्योंकि अभी मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे करना है। और काम धीरे धीरे ही सीखते हैं ना गाइस, दो बार मैंने मेहनत करी, दो बार मेरे व्यूज डाउन चले गए, अब तीसरे बार वापस करूँगी और ये थोड़ा ठीक हो जाएगी तबीयत तो। अब गाने का भी वो करती तो कई चैनल में आ जाती है कॉपीराइट, फिर वो जो इतनी व्यूज आ जाती है 100-150 वाली, अभी 200 भी आ जाती है आजकल तो, 1-2 से भी ज़्यादा नहीं आता, फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। कोई यूट्यूबर बोलते हैं कि ऐसी कोई वीडियो डाल सकते हैं जिसमें कॉपीराइट नहीं होगा, वो तो हमें समझ नहीं आती, कहीं हम डाल दें कोई प्रॉब्लम हो जाए, नेचर का, एक्सरसाइज का, योगा का, ऐसी तो बहुत सारे लोग देखते हैं। छोटा रोल ही बनाऊंगी क्योंकि अकेले के लिए एक ब्रेड 2 दिन चल जाएगा।
बस बटर पेपर नहीं था तो सिल्वर फॉइल में बटर लगा के लगा दिया। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो मैंने गोल सा काट लिया, इसमें मैंने पहले बटर लगाया, अभी अंडा क्रश कर दिया। Thank you.
बेक करने के लिए ओवन में डालना है फ्रूट बास्केट, बास्केट का हैंडल और ये एक ब्रेड बनाया लंबा वाला, तो 160 डिग्री में सिर्फ आधा घंटे के लिए, और ये तो 20 मिनट में बेक हो जाएगा। ठीक है गाइस, फिर मैं आपको ब्रेड को दिखाती हूँ। मेरी ब्रेड बेक हो गई है, अभी भी निकाला मैंने, बहुत गर्म है। ठीक है गाइस, ये ब्रेड है, फ्रूट बास्केट बनाया था, तो थोड़ा सा ओवन जो है ना ठीक से चला नहीं है, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। और उसका हैंडल, तो फ्रूट बास्केट फ्रूट डालने के बाद तो सजाऊंगी तो पता नहीं लगेगा, अगली बार अच्छी तरह बनाऊंगी तो ओवन ऑन नहीं हुआ था, तो ज़्यादा रेज होने से क्या हुआ, ये तो छोटा है तो टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, तो ब्रेड तो ठीक से आया। देखो जैसे भी देखो, बिल्कुल प्यारी ब्रेड बनी है। ठीक है गाइस, थाई कोकोनट मिल्क चिकन करी बना रही हूँ। एक चिकन ब्रेस्ट, दो टमाटर, तेज पत्ता एक, एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, और ये डेढ़ प्याज, कद्दूकस करके निकाला हुआ है। कद्दूकस करके डेढ़ प्याज लिया मैंने, थाई करी बना रही हूँ, थाई चिकन करी विद कोकोनट मिल्क। और ये कोकोनट राइस है, थोड़ा सा प्याज ब्राउन होगा,
ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, हल्का आपके ब्राउन होगा। ओके, इसमें टमाटर डालूंगी, फिर मसाले डालूंगी। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने नान के लिए आटा रखा है, नान के लिए आटा भून के रखा, अभी रेज नहीं हुआ। टमाटर अदरक लहसुन डाल दिया, टमाटर और अदरक लहसुन डाल दिया, फिर इस तरह भून के लगी। अभी मसाला डाल देंगे, करी पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चिमन पाउडर डाल देंगे। इसकी सही तरीके से यूज में कर रही हूँ। और नमक स्वाद अनुसार, इंडियन नान थाई मिक्स बना रही हूँ, इंडियन नान कोकोनट मिल्क थाई करी, कोकोनट ड्राई कुकम्बर एंड योग कुकम्बर एंड ऑनियन योगर्ट सैलड। ठीक है गाइस, देखिए अभी मसाले में मैंने चिकन डाल दिया, उसके साथ ही चिकन को भूनना है। तो हल्के से चिकन भून जाएगा, तो कोको को उसमें डाल के स्लो में पकाना है उसको। ठीक है गाइस, कोकोनट मिल्क जो है ना मैंने 4 टेबल स्पून डाला। अब इसी में हल्का सा पानी मिलाऊंगी और उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाऊंगी। ठीक है गाइस, जब तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये पता था नान बनाने के लिए रखती हूँ, कैरमल फ्रूट फ्रूट बास्केट में डालूंगी, कैरमल फ्रूट बना के पहले कैरमल बनाऊंगी, फिर उसमें फ्रूट काट के डालूंगी, फिर देते टाइम फ्रूट बास्केट को सजा के उसमें डाल के दूंगी। ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ये कैरमल वाला फ्रूट बनाया मैंने, अभी लास्ट मिनट में वाटरमेलन गोल गोल बना के डालूंगी, बॉल 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 साइज में बनाऊंगी छोटे छोटे। और ये ड्रैगन फ्रूट रेडी है।